हाय एवरीवन, दिस इज रितेश। होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग एंटायर जो 4 ईयर का सिलेबस होता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मकाउट के अंदर जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अदर देन मकाउट, जो कॉलेजेस मकाउट के अलावा हैं उनके लिए भी जो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, वो बेसिक बेसिक सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो अदर कॉलेज स्टूडेंट कैन ऑल्सो रेफर टू दिस वीडियो। जो मेन पर्पज़ था ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो फ्रेशर होगा उसको ये आइडिया मिल सकता है मिल पाएगा कि मतलब जो एंटायर 4 ईयर में है वो पढ़ना क्या पड़ता है। और भी मतलब जो अभी 4th सेम में होंगे, 2nd सेम में होंगे, 3rd सेम में होंगे, 1st सेम में होंगे, उसको भी रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा जो नेक्स्ट सेम में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। अप टू 8th सेम हमें क्या पढ़ना पड़ेगा उसका ये बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि हम कैसे वीडियो को मतलब सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे या फिर कैसे कर सकते हैं, तो उसको भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए कोई भी जो भी ब्राउज़र पे हो आप वहाँ पर मकाउट सिलेबस लिखोगे, न्यू सिलेबस मकाउट पे क्लिक करोगे, AICTE UG कोर्सेज पे जाओगे। अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का देखना है तो जो 10 नंबर पे है वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का है। यहाँ से आप चाहो तो लेटेस्ट सिलेबस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा एंटायर सेम का सिलेबस है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर सेम का भी विजिट करना चाहो तो पर्टिकुलर सेम का भी विजिट कर सकते हो। कोई भी चेंजेस नहीं है, बस मार्किंग सिस्टम में थोड़ा सा हमको अलग लगा। तो यहाँ से 1st सेम, 2nd सेम, 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम, 7, 8, और यहाँ से अगर चाहोगे तो एंटायर जो सेम है वो पूरा आप देख सकते हो, यहाँ से व्यू कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर जहाँ से भी आपको देखना वहाँ से तो आप क्लिक करके देख सकते हो। इसी तरीके से अगर पर्टिकुलर सेम जो भी सेम का देखना, हम लेट सेम 7 सेम का देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू सिलेबस के बारे में बात करें तो न्यू सिलेबस अभी तक तो पूरा एंटायर ही है, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। जो भी है वो जो भी सब्जेक्ट है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। अगर IT का सिलेबस देखना है तो यहाँ से आप 16 नंबर पर जाना, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा। यहाँ से भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस चाहिए वहाँ से आप सिलेबस को व्यू कर सकते हो। यहाँ पर अगर न्यू सिलेबस का देखना है तो यहाँ से ये व्यू कर सकते हो, ठीक है। ये हमने देख लिया कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं। तो द 4 ईयर जर्नी, तो सबसे पहले हम लोग 1st ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन 2nd ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन 3rd ईयर, देन 4th ईयर। हम लोग सारे सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये सेम पढ़ना पड़ता है। अगर आपको मतलब अगर आप पर्टिकुलर 3rd सेम का सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब दैट 3rd सेम CSIT सिलेबस मकाउट, मेरा ही वीडियो सबसे पहले आएगा, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो बाबू, जो फर्स्ट ईयर का 1st सेम होता है ना, उसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किसी किसी कॉलेज में केमिस्ट्री रहेगा फर्स्ट सेम में, तो 2nd सेम में फिजिक्स रहेगा, जिसमें 1st सेम में फिजिक्स रहेगा उसको 2nd सेम में केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सारा सब्जेक्ट का क्रेडिट है वो है 4, ठीक है, मतलब सारा सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब क्रेडिट का मतलब ये है, अगर 4 क्रेडिट है और अगर आप एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग लाते हो तो 10 × 4 = 40, जो रॉ स्कोर बनता है वो 40 बनता है। अगर 9 लाते हो तो 9 × 4 = 36 बनता है, अगर 8 लाते हो तो 8 × 4 = 32 बनता है, इस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजिक्स अगर होगा तो फिजिक्स का लैब हो जाएगा, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब होता है, फिर वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का लैब होता है। तो ये था 1st सेम का सब्जेक्ट के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग 2nd सेम के सब्जेक्ट के बारे में। तो केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, देन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। मतलब यहाँ से आपका सी प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है IT है, तो वह यहाँ से सी जो प्रो सी प्रोग्रामिंग है उसको कवर करना पड़ेगा। जो सी होता है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसको आपको पढ़ने के बाद आपको कंप्यूटेशन का फील आएगा कि कैसे क्या करना रहता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना रहता है। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। प्रैक्टिकल की बात करें तो केमिस्ट्री का लैब हो जाएगा, जो सी प्रोग्रामिंग होगा उसका लैब हो जाएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का जो लैब हो जाएगा, ठीक है ना।
एंड एक लैंग्वेज लेबोरेटरी जो कि इंग्लिश का जो लैब होता है उसका लैब हो जाएगा। टोटल क्रेडिट की बात करें तो 20.5 क्रेडिट है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं थर्ड सेम के बारे में, तो थर्ड सेम में बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिक्स जिसमें कि डिफरेंशियल कैलकुलेशन कैलकुलस है, एंड इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो जो इसका कोड है ये सब देख लेना अपना, कोड है एनालॉग का जैसे ESC 301, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का PCC CS 301, ये सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ रहता है। बात करें प्रैक्टिकल की तो पाइथन का लैब होगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स में एल्गोरिदम का लैब होगा और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का लैब होगा। देखो जो अभी अगर जो फर्स्ट सेम जो था वो तो है ही, अगर आपको पर्टिकुलरली गेट करना है तो इसके लिए जो सेकेंड सेम से सेकेंड थर्ड सेम से जो है ना सब्जेक्ट जितना भी आएगा वो गेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। जैसे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में आता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम गेट में आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन गेट में आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस गेट में आता है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो क्योंकि एंटायर यही पढ़ते पढ़ते मतलब गेट भी मतलब अच्छा खासा गेट में भी स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे 12th में पढ़े होगे PNP वगैरह उस टाइप का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में सी प्रोग्रामिंग पढ़े, सी प्रोग्रामिंग के बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना होगा, ठीक है ना। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये पढ़ना पड़ता है रैम रोम डिस्क सिस्क, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि किस तरीके से स्पीड अप क्या होता है इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, पाइथन का लैब होगा, पाइथन का एक लैब होगा, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, सी के बाद पाइथन सेकेंड थर्ड सेम में पाइथन पढ़ना पड़ेगा, फिर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब तो बताए हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अगर आप सी अगर आपके टीचर सी पढ़ा रहे हैं तो DSA में सी पढ़ाए, सी का जो लैब होगा वो होगा, अगर जावा हो रहा है तो जावा का लैब होगा, बेसिकली जावा नहीं होगा सी का ही लैब होगा, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही लैब होगा, ठीक है ना। ये था थर्ड सेम के बारे में। फोर्थ सेम की बात करें तो फोर्थ सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं इसमें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी, ये तीनों जो है गेट में आता है, ठीक है, हम गेट का भी साथ साथ में लेके बता दे रहे हैं तो टोटल, ठीक है। देखो जो अभी देखोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और इधर आया था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर दोनों को सब्जेक्ट को कॉम्बाइन कर दे तो बन जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोनों को अलग अलग इसलिए बांटा गया है क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको अलग बांट दिया, इसको अलग बांट दिया। हालांकि आप सेम में ही पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कॉम्बाइन में पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी में हम लोग मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर आपको दिया गया है तो ये वेदर इट इज़ सॉल्वेबल और नॉट, इसके बारे में हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग जब भी कोई कोड लिखते हैं उसके पहले एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, तो एल्गोरिदम मतलब क्या, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लैब होगा और डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का लैब होगा। बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ सेम में, अभी तक हम लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं। थर्ड ईयर में जो बेसिक 6 सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है इंटरव्यू में आता है तो अच्छे से पढ़ना, कंपाइलर डिजाइन जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी पढ़े थे उसके बाद कंपाइलर डिजाइन पढ़ने में अच्छा लगेगा, अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अच्छा नहीं है तो फिर कंपाइलर डिजाइन दिक्कत होगा थोड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे वाला सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है हमारा विंडोज़ है, मैक है, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा, डीडॉस अटैक वगैरह है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली यही है कि बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत बहुत सारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा। मतलब कहाँ तक, चलो डेडलॉक से पहले तक आप लोग चले जाओगे तो डेडलॉक से पहले कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत वहाँ होगा जहाँ पर
क्या बोलते हैं लॉक वगैरह आता है, सीमाफोर वगैरह आता है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेशन वगैरह तक उसके बाद चले जाओगे तो ठीक है। मतलब ओवरव्यू दे रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उप्स मतलब बेसिकली क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, यही सब वगैरह होगा। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के एक सब्जेक्ट होगा। फिर एक जो सिक्स सब्जेक्ट है हमारा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो आईटी है उसको शायद कंप्यूटर ग्राफिक्स मिला था या एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर मिला था। मतलब ये सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट मिलेगा कुछ भी। और जो सेवन्थ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये इसका क्रेडिट 0 है, मीन्स इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नहीं होगा, इसको बस नॉलेज के तौर पे इसको पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दिखाना पड़ता है, इन केस आपके टीचर जैसा बताएंगे वैसा। टोटल क्रेडिट की बात करें तो 24 क्रेडिट होता है। सिक्स सेम की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, ठीक है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज प्रोसेसिंग भी एक सब्जेक्ट है और डेटा वेयर हाउसिंग डेटा माइनिंग भी एक सब्जेक्ट है। न्यूमेरिकल मेथड फिफ्थ सब्जेक्ट है और रिसर्च मेथोडोलॉजी सिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला था, ठीक है। और प्रैक्टिकल की बात करें, डीबीएमएस का प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रैक्टिकल है। डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क देख लेना, जहाँ से भी स्टार्ट करोगे स्टार्ट कर देना, क्योंकि थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर कॉलेज एग्जाम के लिए तो है, गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट के लिए प्रिफर करते हो तो। ये हो गया तुम्हारा। अब बात करते हैं, अब सेवन सेम जहाँ से आपका मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया होगा, अभी तक सेवन सेम में अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। सेवन सेम की बात करें तो मशीन लर्निंग एक सब्जेक्ट हो गया, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग सब्जेक्ट हो गया, मल्टीमीडिया सिस्टम सब्जेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट हो गया। तो फोर सब्जेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट है। यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा, आपको वेदर आप ये डिसाइड करते हो, ग्रुप बनाया जाएगा, वेदर आप डिसाइड करोगे कि हमें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, अदरवाइज कॉलेज भी डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है ना। और आप एक प्रोजेक्ट के लिए आप नेम दोगे और इस पे काम करना शुरू करोगे। हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट सेम सेम सेवन सेम में देखा जाएगा और फुल्ली प्रोजेक्ट जो होगा वो एट सेम में देखा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एट सेम की में। तो एट सेम में क्रिप्टोग्राफी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, साइबर लॉ एंड एथिक्स है, ई कॉमर्स एंड ईआरपी है। क्रिप्टोग्राफी में वही है कि मैसेज को सिक्योर कैसे करते हैं, ये सब का टूल्स वगैरह होगा, जैसे व्हाट्सएप है ना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है ना, तो उसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन सा टेक्निक लगाया जाए ताकि जो मैसेजेस हो वो कोई दूसरा ना पढ़ सके। साइबर लॉ एंड एथिक्स आजकल बहुत ज़्यादा मतलब साइबर लॉ का विक्टिम होता है, तो उसके बारे में है कि साइबर लॉ एंड एथिक्स कैसे हम मोबाइल का जैसे कैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह को सिक्योर कर सकें। ई कॉमर्स एंड ईआरपी, ई कॉमर्स जानते ही हो कि मतलब सारा चीज़ ऑनलाइन आ गया, शॉपिंग ऑनलाइन आ गया, तो इसी के बारे में ई कॉमर्स एंड ईआरपी है। प्रोजेक्ट 3 के बारे में बात किए थे कि जो सेवन सेम में जो हाफ प्रोजेक्ट दिखाए थे, ये 8th सेम में जो है कंप्लीट वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया है कि मतलब पूरा एंटायर 1st सेम से लेकर 8th सेम का सिलेबस क्या होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपके सीनियर इस वीडियो को देखेंगे वो हो सकता है कि वो आपको क्वेरी रिजॉल्व कर सकें और मैं भी आपको क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।